हेलो दोस्तों, कांतारा चैप्टर वन का टीजर रिलीज हो चुका है और भाई साहब इसे बोलते हैं फर्स्ट लुक। जिस तरह से इसे बनाया गया है वो कमाल का है। ऋषभ सेठी का सबसे खतरनाक लुक तो अब देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, कांतारा फिल्म का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर वन है। वैसे तो इस फिल्म का नाम कांतारा टू होना चाहिए था, लेकिन इसका सीक्वल नहीं बोलेंगे क्योंकि इस कांतारा फिल्म में जो कहानी दिखाई गई थी, इस फिल्म में उसके पीछे की कहानी दिखाई जाएगी। जिस तरह से बाहुबली की पहली फिल्म इस फिल्म का दूसरा पार्ट था और बाहुबली 2 फिल्म में उसके पीछे की कहानी दिखाई गई थी। टेक्निकली तो इस फ्रेंचाइज में बाहुबली पार्ट 2 पहली फिल्म थी और बाहुबली पार्ट 1 दूसरी फिल्म थी। यानी जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कांतारा फिल्म में किस भगवान की पूजा हो रही है, तो कांतारा चैप्टर 1 आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर देगी। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सैफ आज कांतारा चैप्टर 1 के टीजर ट्रेलर का रिव्यू करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ऋषभ सेठी कांतारा फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर और राइटर हैं। इसका मतलब तो यह है दोस्तों कि फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी और एक एक रुपये का सही इस्तेमाल किया जाएगा। कांतारा की पहली फिल्म की बात करें तो दोस्तों, ये सिर्फ 16 करोड़ में बनी थी और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी के दम पर इसने 400 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। अगर किसी फिल्म को यूनिक स्टाइल में डायरेक्ट करने की बात करें तो सबसे पहले हमें सिर्फ SS राजामौली के डायरेक्टर के नाम ही जहन में आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी सोच और उनकी फिल्म मेकिंग का तरीका और फिल्म को प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल ही अलग है। लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक और कोहिनूर हीरा है, ऋषभ सेठी। इन्होंने ना केवल 16 करोड़ में एक मास्टरपीस फिल्म बनाकर दिया इस इंडस्ट्री को, बल्कि इस बार कांतारा चैप्टर 1 फिल्म का बजट करीब 125 करोड़ का होने वाला है। तो दोस्तों सोचिए, ये फिल्म किस लेवल का होने वाला है। दोस्तों, कांतारा चैप्टर 1 को जानने के लिए हम कांतारा फिल्म के पहले पार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, कांतारा फिल्म की कहानी कुंदपुरा, जो कि कर्नाटक के समुद्र किनारे वाले इलाके का है, सदियों पहले वहां के राजा ने अपने मन की शांति के लिए वहां के आदिवासी लोगों को जंगल दान में दिया था। गांव के लोगों का मानना है कि उनके कुल देवता पंजुरली, जो इस जंगल और आदिवासी की रक्षा कर रहे हैं, इसके शुक्रियादा के लिए आदिवासी लोग भूताकोला प्रथा को निभाते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल काम है जिसे कुछ लोग ही कर पाते हैं। माना जाता है कि देवता की वेशभूषा में नाचने वाले के अंदर इस जंगल के देवता आते हैं। कुछ समय के बाद राजा के परपोते अब इस जंगल को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि यह जंगल बहुत कीमती है। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि इस फिल्म की स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, जबकि आज के दौर में रीमेक, कॉपी जैसे फिल्में हमें देखने को मिलती है। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में ऋषभ सेठी द्वारा किया गया परफॉर्मेंस इस पूरी फिल्म का सबसे दमदार सीन है। इस फिल्म के क्लाइमैक्स ने दर्शकों के अंदर पार्ट 2 की चाहत को बढ़ा दिया था। इस बार कांतारा पार्ट 2 में दर्शकों को पिछली फिल्म से भी ज़्यादा की उम्मीद है। कांतारा चैप्टर 1 के टीजर ने लोगों को बता दिया है कि इस बार ये फिल्म कितनी बड़ी होने वाली है। इस फिल्म में हम एक नेक्स्ट लेवल का VFX देखने वाले हैं और ये फिल्म यकीन मानिए हॉलीवुड के टक्कर की होने वाली है। इस टीजर में आपको साफ दिखने को मिल रहा है कि इसमें किस तरह का VFX और इफेक्ट इस्तेमाल होने वाले हैं। इस बार ऋषभ सेठी ने अपनी फिजिकल पर भी ध्यान दिया है और बहुत ही अट्रैक्टिव बॉडी बनाई है। इस फिल्म में ऋषभ सेठी ने बिना किसी डायलॉग के केवल अपनी आंखों से वो सब कुछ कह डाला है जो दूसरे एक्टर नहीं कह पाते। उनकी आंखों में देखने के बाद आपको डर और एक्साइटमेंट जैसे कई भाव एक साथ आने वाले हैं, खून से लथपथ और खतरनाक। इस फिल्म का टीजर पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें शिवा खून से लथपथ दिख रहे हैं और उनके एक हाथ में फरसा और दूसरे हाथ में त्रिशूल दिख रहे हैं, जिससे ये पोस्टर और भी अच्छा लग रहा है। इस पोस्टर के लुक से ही लोग इससे स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाएंगे। कांतारा फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है और 2024 के अंत तक इसे रिलीज कर दिया जाएगा। खबरों की माने तो दोस्तों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी इस फिल्म का हिस्सा होने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों, इस फिल्म से हिंदी दर्शक और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों, मैं इस फिल्म का पहला शो तो ज़रूर देखने वाला हूँ। आप ये फिल्म देखने वाले हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।